हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को स्केचअप टूल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। स्केचअप गूगल के द्वारा प्रोवाइड करवाया हुआ एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्री वाला ले रखा है, बिकॉज एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने लिया है। और आप लोगों से हिदायत है कि अगर आपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिया है तो कृपया इसका उपयोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए ना करें। ये देखिए, माउस का बीच वाला स्क्रॉल बटन जो होता है उसको आप दबा के और माउस को इधर उधर हिलाइएगा तो ऐसे होगा, ठीक है। एच एच से हैंड टूल आता है। हैंड टूल एच दबाने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करके इधर खींच कर सकते हैं, इधर ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये माउस का स्क्रॉल बटन के यूज से, ये अंकल जी आए हुए हैं, ऐसे ही बिना बुलाए आ गए हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गया। देखिए दोस्तों, ये कुछ टूल्स के यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसे पेंट बकेट है, इरेजर है, लाइनिंग के लिए है, और ये फ्री हैंड लाइनिंग के लिए है, ये रेक्टेंगल के लिए हो गया, आपको ये वाला हो गया रोटेट रेक्टेंगल के लिए, ये सर्किल, ये पॉलीगन, ऐसा कुछ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, कुछ जो जरूरी टूल्स है हम लोग यूज करेंगे, एक पेंट, इरेजर, और ये रेक्टेंगल, और ये पाउस पुल बटन, सॉरी पुश पुल, और एक ये ऑफसेट, राइट। हम लोग पहले ये लेते हैं, इसका शॉर्टकट है आर, आर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कॉर्नर से हम लोग, एक बार मैंने क्लिक किया और माउस को छोड़ दिया, और फिर माउस को ऐसे पकड़े, मतलब क्लिक बटन दबा के उसके बाद छोड़ दिया, फिर माउस को ऐसे लाके और छोड़ दिया। देखिए, अगर ये इस टाइप का कुछ, जो ये जो बीच में जो लकीर आती है, मतलब कि आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब एक लेफ्ट क्लिक कर देना है, ये आपका बेस तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को इस ऑफसेट का यूज करके वॉल खड़ा करना है, बट वॉल से पहले आपको ये डिजाइन करना होगा कि आपने किधर किधर वो लेना है, रूम लगाने हैं, क्या करने हैं। तो एल फॉर लाइन होता है, एल बटन प्रेस कीजिएगा तो लाइन आएगा आपका। ये अगर ग्रीन कलर का ये स्टेप्स लाइनिंग आता है, मतलब इसके सिमिलर में जा रहा है। ये देखिए, ये मैंने ये दो लकीरें खींची, और एक ये मैं बीच से कर देता हूँ डन, और ये सॉरी ये ऐसा कुछ कर देता हूँ, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब देखिए, इरेजर टूल लीजिए और इन लकीरों को मिटा दीजिए। ये हो जाएगा हमारा दरवाजा, ये अंदर घुसे, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, राइट। तो बस इनिशियल लेवल पे मैंने बनाया। अब ये ऑफसेट का यूज करेंगे और ऑफसेट से वॉल बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने वॉल क्रिएट किया, राइट। अब बचा किस साइड का वॉल, तो एल फोर लाइन दबाएंगे, ठीक है। एल से लाइन प्रेस करेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ मैंने कर दिया। और अब ई से इरेजर, ई से इरेजर, इसे इरेजर टूल मैंने सेलेक्ट किया और इन लकीरों को मिटा दिया। फिर जूम कीजिएगा स्क्रॉल बटन की मदद से, इन बीच वाले सारे लकीरों को आपने मिटा देना है, ठीक है। और ये हाँ, ऐसा कुछ। अब ये साइड वाले का कुछ नहीं आया, तो अब लाइन, ये एल से लाइन लीजिए, ये टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ आपने दे देना रेड का, मतलब इसके सिमिलर में है, ठीक है। और ये आपको एच, हाँ सॉरी, एच हैंड टूल से इधर लाना और जूम करना है, एल से लाइन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से खींच के और एच दबाना है, मतलब हैंड टूल, और फिर से हमने लाइन सेलेक्ट किया था इसलिए एल दबा देना है। तो ये आपका ये आ गया, एल प्रेस करने पे ये आ गया, ठीक है। अब इन सारे गैप्स को हमने मिटाना है। देखिए, जैसे ई टूल, मतलब कि यहाँ से इरेजर बटन, इरेजर टूल का यूज कीजिए, एच से हैंड टूल से इधर आइए, फिर ई से इरेजर टूल का यूज कीजिए, ये, और ये सारे बीच वाले लकीरों को आप मिटा सकते हैं, ई से इरेजर एंड एच से हैंड टूल, ओके देन ये कॉर्नर वाले को भी मिटा सकते हैं, ताकि हर वॉल के बीच जो है एक पर्सनल ज्वाइंट बन जाए, जिस कारण से वॉल में मजबूती आ जाए, क्योंकि
यहाँ कहने का मतलब है कि एक बार में मेरा सारा काम निकल जाए, मतलब तो एक जगह मैं अगर वॉल पे कोई भी इंप्लीमेंट करना चाहूँ कोई भी चीज़, तो वो सारे जगहों पे समान रूप से हो। ये देखिए ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक एक यहाँ पे लकीर दे देते हैं, बिकॉज मेन गेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सॉरी, अभी मैंने मेन गेट सेट नहीं किया, तो यहाँ पे ये लाइनिंग ले लीजिए। अब ये सारे वॉल्स एक जैसे हैं। अब यहाँ हमने पुल और पुश बटन का यूज करना है, और सॉरी पुल और पुश बटन टूल का यूज करना है, और यहाँ पे जाके इसको इस पे एक बार क्लिक करके और ऊपर की लाके जितना हमने उठाना है उतना पे जाके एक बार क्लिक कर देना। ये देखिए, थैंक यू दोस्तों। अगली सीरीज में आप इसमें खिड़की और दरवाजे कैसे लगाए जाते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।